नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। हमारे देश के अंदर दुष्कर्म के खिलाफ सख्त कानून बन जाने के बावजूद भी बेटियों के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाएं बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही। और आपको यह खबर सुनाते हुए मुझे दुख हो रहा है कि किस तरह की सोच आज इंसान लेकर चल रहा है कि बेटियों के साथ एक तो आप दुष्कर्म भी कर रहे हैं और साथ में उसके शरीर के साथ आप किस तरह की प्रताड़ना भी कर रहे हैं। कई दिन तक गैंग रेप का दंश झेलने वाली युवती आज चल बसी। यह दुखदायी खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से आ रही है। हाथरस एक मशहूर स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर, और हाथरस में बड़े बड़े कवियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी कविताओं के जरिए देश की दशा और दिशा पर कड़े प्रहार तक किए। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश के हाथरस के अंदर ही एक नाबालिग बेटी के साथ दुराचार हो जाता है और बड़ी निर्दयता के साथ उसके शरीर पर चोटें पहुंचाई जाती हैं। अगर आज यह आप समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गैंग रेप की जो शिकार युवती हुई है वो दलित समुदाय से आती थी। दलित युवती आखिरकार कई दिन जिंदगी से लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज सुबह यानी कि मंगलवार को सुबह उसकी मौत हो गई। बीती 14 सितंबर को कुछ दरिंदों ने गैंग रेप के बाद पहले उसकी जीभ काट दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और हैवानियत के बाद 15 दिन तक लड़की सिर्फ इशारे से ही अपना दर्द समझाती रही। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो इस लड़की को कितनी पीड़ा हो रही होगी शारीरिक रूप से और किस तरह से वो अपना दर्द समझा रही होगी, आप जरा सोच कर ही सहर जाएंगे। इस मामले पर विपक्ष से लेकर देश की सेलिब्रिटियों में सब गुस्से में, लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लड़की के साथ हुई दरिंदगी की कहानी जानकर आपका कलेजा बाहर को आ जाएगा। मामला 2 हफ्ते पहले हाथरस के थाना चंदपा इलाके के गांव का है। 14 सितंबर को 19 साल की एक दलित युवती के साथ गांव की रहने वाली 4 दबंग युवकों ने पहले गैंग रेप कर दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात की सुबह यह युवती अपने बड़े भाई और मां के साथ जंगल में घास काटने गई थी। बड़ा भाई घास की गठरी लेकर चला गया, मां कुछ दूर आगे घास काटने चली गई, बेटी मां से थोड़ा पीछे काम पर लग गई। इसी दौरान 4 दरिंदों की नज़र उस दलित युवती पर पड़ गई। अचानक 4 युवक पीछे से आए और चुपचाप उन्होंने युवती का मुंह दबा दिया और फिर उसे चारों खींचते हुए एक सुनसान खेत में ले गए और उन्होंने पहले वहाँ उसकी इज्जत तार तार कर दी। वह बाजरे के खेत में बेहोश मिली थी। गैंग रेप के बाद उसकी जीभ काट दी गई ताकि वो कुछ उगल ना सके, कुछ बता ना पाए। घर चलकर यानी कि चलकर अपने घर तक ना जाए इसलिए दरिंदों ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। गंभीर हालत में लड़की को अलीगढ़ के GN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसे रेफर किया गया था। पुलिस ने पहले धारा 307, मैं समझा देता हूं, धारा 307 सिर्फ हत्या की कोशिश होती है, इसमें मामला दर्ज किया गया और एक व्यक्ति को अभियुक्त भी बनाया गया। और हैरानी की बात देखिए, आप यूपी पुलिस की करामात देखिए कि 10 दिन तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई। पीड़िता का बयान लेने भी पुलिस 5 दिन के बाद अस्पताल में पहुंची। आरोपियों की पहचान गांव के ही रहने वाले संदीप, लवकुश, रामू और रवि के रूप में हुई है। हाथरस पुलिस इंस्पेक्टर ने के मुताबिक संदीप को 14 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन घटना के 9 दिन बाद बीत जाने के बाद पीड़िता होश में आई तो अपने साथ हुई उसने आप बीती अपने इशारों में परिवार को बताई।
बेटे की आप बीती सुनकर परिवार का प्रत्येक सदस्य हिल गया। हर कोई दहल गया। बात बाहर आई तो सियासत तेज होने लगी। भीम आर्मी से लेके बसपा पार्टी की मुखिया मायावती ने सरकार को निशाने पर लिया। पुलिस को दिए बयान में लड़की के भाई ने बताया कि माँ ने बहन को आवाज़ दी तो उसका कोई जवाब नहीं आया। पहले खेतों को पानी देने के लिए बनाई गई मेड़ पर उसकी चप्पल दिखी, फिर बाजरे के टूटे पौधे दिखे तो वह खेत में अंदर चले गए, जहाँ 20 मीटर भीतर वो बहुत ही बुरी हालत में बेहोश पड़ी हुई थी। माँ चिल्लाई तो कुछ आसपास के बच्चे दौड़े आए। उन्होंने उन्हें तुरंत लोगों को बुलाने और पानी लाने भेजा। बच्चे मेड़ में भरा पानी पॉलोथीन में भरकर लाए और उसके मुंह पर डाला, लेकिन उसे होश बिल्कुल नहीं आया। अब इस तरह की तमाम घटनाएं अगर होती हैं, आज इस मामले में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, जिसने यूपी पुलिस पर सवाल उठाए, यूपी सरकार पर निशाना साधा है। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले हैदराबाद का एक गैंगरेप मामला सामने आया था, जिसमें एक वेटरनरी डॉक्टर यानी कि महिला डॉक्टर जो स्कूटी पर सवार होकर अपने घर जा रही थी, उसे दबंगों ने दबोचा और खेत में ले गए और उसके साथ जो पीड़ा की गई उसे जलाकर मार दिया गया। चारों ने दरिंदगी दिखाई, रेप किया और फिर महिला डॉक्टर की जान ले ली। बाद में चारों पकड़े भी गए, लेकिन हैदराबाद पुलिस ने इनकाउंटर में वो मार गिराए। आज देश के लोग भड़के हुए हैं। भड़के भी क्यों ना हो, एक दलित बेटी का पूरी तरह से चीरहरण हो गया। चीरहरण क्या हो गया, उसकी इज्जत तो तार तार कर दी गई, लेकिन इज्जत तार तार करने के साथ साथ उसका शरीर भी तार तार कर दिया। आप सोचिए, जब उसकी जीभ कट रही होगी या जब दरिंदे उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे होंगे, तो सोचिए उसे कितनी असहनीय पीड़ा हो रही होगी। आज दिल्ली में कांग्रेस ने किस तरह से प्रदर्शन किया और इस मामले में क्या मतलब महिलाएं क्या बोल रही हैं, पहले आप यह देखिए। दलित बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दलित बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दलित बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दलित बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आतंक की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आतंक की बेटी को न्याय दो, एक मिनट भी परेशान है वो, मतलब वो बीमार हो गए हैं, वो तो घर पे ही छोड़ के आ गए। उनके पापा भी बीमार हो गए हैं इस चीज़, क्योंकि वो उन पे भी दुख देखा नहीं जा रहा है, उसका दर्द जो है। मम्मी वहीं पे घास ले रही थी, चुपके से ले रहे थे। हाँ, उसको फांसी की तरह लगा दिया था गले में दुपट्टे से, बाजरे के अंदर खींच लिए गए। मम्मी को तो बाद में 10 मिनट बाद पता चला, मम्मी ने आवाज़ दिया तो वहाँ पे आवाज़ दिया, मम्मी ने 2-3 आवाज़ दी मम्मी को, फिर वो आवाज़ मतलब कहीं पर भी उसने मम्मी को लगा कि यहाँ है नहीं थी मम्मी। उसी वक्त वो मम्मी चली आई आगे को, तो देखा तो जहाँ पानी, वैसे मेड बोलते हैं जो भरा है उसमें पानी चलता, बाजरे में लगा रहे थे, तो वहाँ पे चप्पल दिखाई दी मम्मी को, तो मम्मी को चप्पल दिखाई दी, तो मम्मी को उसमें बाजरा भी टूटा हुआ दिखाई दिया, तो मम्मी उसमें घुसी चली गई 20 मीटर करीब। तो बहन एकदम बेहोशी हालत में और बहुत ही वैसे तरीके से दिखाई दी। हाँ, इन लोगों से दुश्मनी तो होती पहले थे। हाँ, वो जा चीज की फिराक में पहले थे, क्योंकि पिताजी थे भी इन लोगों ने मारपीट कर चुके पहले। किससे मार पीट की आपसे? नहीं, हमारे पिताजी थे। हाँ, पुरानी। हाँ, तो पहले थे इन लोगों ने की कहा कहते विचारधारा कुछ ऐसी। हाँ, पहले भी ये लोग कागज डरा धमकाते थे पहले से, पर हमने सोची कि चलो छोड़ो, बाहर में जान दो कागज अपनी वो है। पर इन लोगों ने फिर कागज जी हमारी बेटी के संग में ऐसे अत्याचार करो। गिरफ्तार नहीं होते, इन लोगों की धमकी आ रही थी कि मतलब हम जैसे हम लोग तो जेल जाएंगे, पर अभी 2-4 लोगों को और मार के जाएंगे, ये लोग ऐसा दबाव बना रहे थे। तो
अब यही बेटी की यही याद है कि जो कह रही कि मैं तो अपने मन में जी सोच रहा हूँ कि अगली साल उसकी शादी कर दूंगा, पर अब जी बीचते बीच जी क्या घटना है, बहुत बड़ी मतलब समस्या है चीज में। आपको ये समझना पड़ेगा ये कैसी मानसिकता के लोग हैं, उस बच्ची के साथ रेप करने के बाद उन्होंने उसको इतना मतलब प्रताड़ित किया है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, उसकी जो जीभ है उसको दांतों से काटा गया है। ये कैसी मानसिकता के लोग हैं? क्या ऐसे लोग समाज में रहने के लायक हैं? क्या ऐसे लोगों को फांसी नहीं दी जानी चाहिए? 15 दिन तक लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हुआ है 15 दिन पहले, अभी तक तो इनके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। अब ये लोग जाके आ रहे चंद्रशेखर भाई की भीम आर्मी की वजह से, अब इनका क्या फायदा? दलित बेटी की मौत हो जाती है, उसका बलात्कार होता है, वो बिचारी गुजर गई है, उसके लिए अभी हमने कोई आंदोलन नहीं करा, हमने कोई नारेबाजी नहीं करी, हम चुपचाप आके खड़े हैं और इन लोगों ने हमें डिटेन कर लिया है। पुलिस अपने इतनी इनसिक्योर है कि मतलब पूरी तरीके से बिके हुए हैं, लोग दर्द की हत्या करने में लगे हैं, उसे दफन करने में लगे। सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में बेहतर इलाज के लिए दाखिल करवाया था, आज सूचना मिली है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ की। इस सूचना पे चूँकि प्रीवियसली FIR कायम हो चुकी थी 307 में, बाद में इसमें 376 डी धाराओं की बढ़ोतरी की गई है, अब 307 से इसे 302 में टर्मिंग किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है और वो की जा रही है। चारों अभियुक्तों की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो 376 डी सेक्शन लगे हुए थे उस सेक्शन के आधार पर शासन द्वारा जो निर्धारित धनराशि थी FIR कायम होने के बाद उसकी प्रथम किस्त 4,12,500 रुपये पीड़िता के मृतका के परिवार वालों के खाते में उसे ट्रांसफ़र कर दिया। आपने देखा कांग्रेस किस तरह आक्रोश में है। आपको अब इस मामले में एक पूरी रिपोर्ट भी दिखाने जा रहे हैं कि देखिए दरिंदगी का आलम कहाँ से और कब और कैसे शुरू हुआ और यूपी पुलिस कैसे इसमें तमाशबीन बनती रही। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी सरकार आए दिन आपको विज्ञापनों के अंदर सुशासन के बड़े बड़े दावे दिखाती है, टीवी चैनलों पर भी नज़र आता है, अखबारों में बड़ी बड़ी विज्ञापन छपते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की दरिंदगी क्या हमारे देश को शर्मिंदा नहीं कर रही? क्या विदेश में रहने वाले लोग हमारी सभ्यता पर हंस नहीं रहे होंगे? हमें ऐसे लगता है जब हम विदेश में जाते हैं तो हर कोई यही कहता है कि भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी सभ्यता है और भारतीय संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं है, भारतीय संस्कृति में कोई अश्लीलता नहीं है, पूरी तरह से शालीनता है। क्या इस तरह की दरिंदगी शालीनता दिखाती है? अगर हमें अब सबको मिलकर विचार करना चाहिए, क्या इस तरह की घटनाएँ हमारे देश की इज्जत बना रही हैं या इज्जत बिगाड़ रही हैं? विदेश के अंदर जो भारतीय रहते हैं उन्हें क्या सुनना पड़ता होगा, किस तरह के कमेंट्स लोग मारते होंगे, हमें यह भी सोचना चाहिए। हम कई ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन आज जिस तरह की लगातार हमारे देश में कोई ये उत्तर प्रदेश की इस तरह की घटना नहीं है, इस तरह की पहले भी कई घटनाएँ हो चुकी हैं। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ उसे सारा देश जानता है, उसके बाद हैदराबाद कांड हुआ वो भी सारा देश जानता है, और किस तरह से निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सज़ा मिली सब जानते हैं। लेकिन उस फांसी की सज़ा तक आने के लिए जो निर्भया की माँ थी उन्हें कितनी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी सारे देश की जनता ने देखा। किस तरह से दरिंदों ने जो पकड़े गए, जो आरोपी थे, जो दोषी करार दिए गए, किस तरह से खुद को बचाने के लिए कई तरह के हथकंडे जेल से ही अपनाते रहे। हालांकि फांसी मिली देर से सही, लेकिन निर्भया को न्याय तो मिला, लेकिन क्या हमारी सोच बदल पाएगी? क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? क्या हम विरासत में अपने बच्चों को यही संस्कृति देकर जाएंगे? आज इस पर कड़ी मतलब चिंतन और मंथन की जरूरत है। हमें बड़े दिमाग से सोचना चाहिए कि इस तरह का आचरण हम देश के युवाओं के सामने दिखाकर आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं। हमें आचरण बदलना चाहिए। यदि आपके आसपास कुछ लोग अगर इस तरह की वारदात करते हैं तो पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए
और यदि आपके घर के अंदर आपके पड़ोस में इस तरह की कोई हरकत करने की सोच रहा है तो आप भी सचेत हो जाइए, क्योंकि इस तरह की तमाम घटनाएं देश को पूरी तरह से शर्मसार करती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.